गाइस अभी बन रहा है दुनिया की सबसे बड़ी देग में खाना। Hey YouTube family, welcome back to another vlog. उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और सब मजे में होंगे। So YouTube family, आज की इस vlog में मैं आपको दिखाऊंगा नाइट व्यू, दरगाह का नाइट व्यू मैं आपको आज के इस vlog में दिखाऊंगा। बाकी आप vlog के एंड तक बने रहना, कल मैं वापस निकलना है घर की तरफ, इसलिए आज आपको नाइट व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि गाइस कल हमारी 2 बजे ट्रेन है तो फिर नाइट व्यू नहीं देख पाएंगे, इसीलिए मैं आपको अभी का नाइट व्यू दिखा देता हूँ। दरगाह का नाइट व्यू दिखा देता हूँ, बहुत मस्त लगता है दरगाह वो भी नाइट में। तो गाइस चलिए करते हैं इस प्यारे से व्लॉग को स्टार्ट। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ बाहर और यही से ही दरगाह गेट दिख रहा है और ये रहा दरगाह बाजार, पूरा लाइट से सजा हुआ है। अभी ये साइडों में दुकानें लगी हुई है, ये दुकानें बराबर दरगाह गेट तक लगी हुई है। इन दुकानों में आपको सब चीजें मिल जाती है, जैसे राजस्थानी कपड़े, खाने पीने की चीजें और भी बहुत कुछ आपको इस बाजार में देखने को मिल जाता है। और यहाँ आपको पूरे 12 महीने भीड़ मिलेगी, यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं जियारत करने के लिए। जब मैं पहुंच चुका हूँ गेट के पास, ये हम कर रहे हैं एंटर दरगाह के अंदर। यहाँ बाहर सिक्योरिटी के लिए पुलिस लगी होती है और दरगाह के अंदर आपको फूलों की दुकानें मिलती है जो कि आप अंदर ले जा सकते हो मज़ार पे चढ़ाने के लिए। ये रहा बुलंद दरवाज़ा, टोटल दरगाह में एंटर करते ही आपको 4 दरवाजे मिलते हैं अंदर से। ये दरगाह बहुत बड़ी है, इधर दरगाह में 2 देग है, एक छोटी देग और एक बड़ी देग है। ये रही छोटी देग, इसमें अभी मीठे चावल बन रहे हैं, फिर ये चावल यहाँ तब्रुक के तौर पर मिलते हैं। इन चावलों में ड्राई फ्रूट्स और गुलाब के फूल और चावलों का इस्तेमाल होता है। फिर चावलों को ऐसे ही ड्रम में भरते हैं और फिर इनको बांट देते हैं, जैसे फजर के टाइम पे इनको बांट देते हैं। और नीचे जल रही है दुनिया की सबसे बड़ी देग में आग। ये रही दूसरी बड़ी देग जिसमें भी मीठे चावल बनते हैं, लेकिन अभी शाम को इसमें इधर नियाज डालते हैं। इधर सोना चांदी पैसे और भी बहुत सारी चीज़ें इस देग में नियाज के तौर पर डाली जाती है, ये पैसे फिर लंगर में इस्तेमाल होते हैं। ये रहा वजू खाना, इधर आप वजू बना सकते हो अंदर जाने से पहले। ये रही ज़ियारत, आज भी इधर हर मज़हब के लोग आते हैं, इधर आपको हिंदू सिख ईसाई सब मज़हब के लोग मिलते हैं। और वो ऊपर है तारागढ़, ये एक और दरगाह है, ये पूरी दरगाह तारागढ़ पहाड़ी पे बनी हुई है। इस दरगाह का व्लॉग भी मैंने बनाया है, अगर आपको देखना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। यहाँ से जाते हैं मज़ार पर और फिर दूसरी साइड से बाहर वापस निकलते हैं। और यहाँ मज़ार के बाहर भी आपको फूलों की दुकानें मिल जाती है, अंदर ले जाने के लिए ये फूल मिलते हैं, आपको चादरें मिलती है और यहाँ पर गा रहे हैं ये लोग कवाली। Oh
ये दरगाह की पीछे वाली साइड, यहाँ लंगर मिलता है जिसमें आपको बिरयानी मिलती है। लाइन में खड़े होना पड़ता है और फिर आप बैठ सकते हो लंगर खाने के लिए। यहाँ से देख सकते हो आप मदीना पाक की तरह, इधर भी इतनी बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी हुई है, 3-4 छतरियाँ इधर भी लगी हुई है। पीछे वाली साइड है ये दरगाह की, आप आ रहे हो तो इधर आप आ सकते हो। पीछे वाली साइड भी काफ़ी ज़्यादा मस्त दरगाह है अंदर से भी। यह है दूसरा दरवाज़ा, यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हो मज़ार के लिए, मगर अगर आप आ रहे हो तो सुबह ही आप जा सकते हो, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये कुछ भी नहीं, और उसके मौके पे तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। अभी मैं आपको चादर भी दिखाऊँगा आगे। ये लोग इस चादर को अंदर ले जा रहे हैं मज़ार पर। यहाँ पर हर दिन बहुत सारी चादरें पेश होती है, ये चादर भी बहुत बड़ी है आप देख सकते हो। अभी ये लोग इसको अंदर ले जाएंगे मज़ार पे चढ़ाने के लिए। इधर हर दिन एक नई नई चादर आती रहती है। सुबह से फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं दरगाह से वापस, और अभी आ गए हम कुछ खाने के लिए दरगाह के पीछे वाली गेट से। जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपको पूरी इधर हलाल होटल मिल जाएगी खाने पीने की। अभी हमने कर दिया ऑर्डर शाही पनीर, इसको खाने के बाद घूमते हैं थोड़ी देर और फिर चलते हैं वापस रूम पे, क्योंकि कल हमें निकलना है वापस घर। और अभी मैं आ गया दरगाह के पीछे वाले साइड, यहाँ से आपको पूरी खाने पीने की दुकानें मिल जाती है, बहुत सारी खाने पीने की होटल्स है यहाँ से। और यहाँ से आपको मिल जाती है फेमस मिठाई यहाँ, जो कि आप घर के लिए ले जा सकते हो यहाँ से। अभी बस हम अजमेर की गलियों से घूम रहे हैं। कैसे भी हम आ गए चिकन फ्राई खाने के लिए, लास्ट है आज हमारा चिकन फ्राई, बस कल हमें निकलना है वापस घर की तरफ इसीलिए। इसके बाद आ गए हम फिर से सोडा पीने के लिए, मैं रोज़ शाम को इधर आता हूँ सोडा पीने के लिए इसके पास। इधर काफ़ी ज़्यादा मस्त सोडा मिलता है इसके पास, बाइक के पास। जिसके बाद मैं आ गया वापस रूम पे, और इस व्लॉग को एंड करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था, तो इसीलिए इस व्लॉग को मैंने घर पे एंड किया। अगर आपको दरगाह का ये नाइट व्यू पसंद आया तो व्लॉग को कर देना लाइक, चैनल पे नए जुड़ रहे हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बस एक छोटा सा काम आपको कर देना, जो लाल कलर का बटन दिख रहा है नीचे उसको बस टैप कर देना है, आप बन जाओगे हमारी YT फैमिली का एक हिस्सा। तो मिलता हूँ मैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।